अस्सलाम वालेकुम एवरीवन उमीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जो नहीं ठीक है अल्लाह तला आपको जल्द से सेहत याब करे तो जनाब आज की मेरी वीडियो है एक इम्यूनिटी बूस्टिंग टी के ऊपर जो कि आपकी हाईली रिक्वेस्टेड थी क्योंकि मैं ये टी रोज खुद जो है अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी तो आप लोग मुझे कहते थे कि जल्दी जल्दी से हमें भी सिखा दे तो मैं आज आपको आपके सामने हाजिर हूँ आपको सिखाने के लिए और ये वीडियो बहुत जल्दी जल्दी में मैं बना रही हूँ आप लोगों को अंदाजा होता होगा ना तो मेरा हिजाब ठीक है तो खैर कोई बात नहीं चलता है तो जनाब ये वीडियो आपने जरूर गौर से देखनी है इसको र, अपनी रूटीन में ऐड करना है टी को आपको अगर कफ है स्नीजिंग है फ्लू है कुछ भी है तो आप लोग ने रोज इसको रेगुलर बेसिस पे कप अपने ऐड करना है जो नॉर्मल पर्सन है वो डेली का एक कप आप ऐड कर सकते हैं पी सकते हैं और ताकि आपकी इम्यूनिटी रहे बूस्ट और जल्दी से आप लोगों को कोई को भी चीज इफेक्ट ना कर पाए और जो नहीं ठीक है वो जल्दी से ठीक हो जाए ठीक है जनाब तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ वेट वेट एक काम तो आप लोगों से रह गया है आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आपको मेरी कमिंग वीडियो जल्द से जल्द मिल सके सबसे पहले और साथ में जो है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है कोई भी क्वेश्चन होता है आप मेरे यूट्यूब की किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को सारे आंसर जो है दिए जा सके तो इनशाला आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो भी और आने वाली कमिंग वीडियो भी सो तब तक हम चलते हैं रेसिपी की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए जनाब हम रेसिपी सीखते हैं जी जनाब तो सबसे पहले हमें चाहिए पानी सात से आठ कप हमने पानी लिया इसको बॉयल होने के लिए रख देना है जब हल्का सा बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो हम उसमें डालेंगे दार चीनी ठीक है और उसके बाद हम डालेंगे चार से पाँच इलायची इसके अंदर और साथ में जो है हम अदरक ऐड करेंगे अदरक जो है हमने फ्रेश लेना है चार से पाँच क्यूब्स हमारे इनफ हैं सात से आठ कप्स के लिए ठीक है तो ये जग गया इसके अंदर और साथ में जो है इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं फ्रेश हल्दी मैंने फ्रेश हल्दी का एक क्यूब लिया है अगर आपके पास नहीं है तो आप हाफ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद जो है हम डालेंगे पुदीना पुदीना का वन फोर्थ कप आपने ऐड करना है ये अच्छे से इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा गिरी गया है खैर इसके अंदर ऐड अच्छे से हम डाल के उसको तो बॉयल होने के लिए रख देंगे पाँच से दस मिनट के लिए हमने बॉयल होने के लिए रखना है इसको तब तक हम अपने रेडी करते हैं कप्स ठीक है और इसके अंदर आपने फ्लेश लेमन के स्लाइस जो है वो ऐड कर देना है और उसके साथ साथ हम एक टीस्पून जो है हनी ऐड करेंगे और जैसा कि सबको पता है लेमन रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो ये आपकी टी जो है बहुत मज़े की भी बनती है साथ में और साथ में जो है आपकी इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा एक्टिव करेगी आपको भी आपकी इम्यूनिटी को भी आपके इंशाल्लाह कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा ठीक है तो ये हम तब तक अपनी रेडी कर रहे हैं हनी डाल रहे हैं और तब तक हम देखते हैं हमारी टी रेडी हो चुकी है ये इस, इस तरह का कलर आ जाएगा आपकी टी का और तब तक हम चलते हैं इसको लेके जाते हैं कप्स में डालने के लिए और मुझे भूल चुका था जनाब कि मैंने नए कप ले चुकी हूँ वो वाले पिछले वाले चले गए हैं तो दोबारा इस इसमें हनी ऐड करेंगे हनी ऐड किया और ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिनको टॉन्सिस का प्रॉब्लम है वो ये जो लेमन है वो स्किप कर सकते हैं बाकी सब पर्सन ने इसको ज़रूर यूज़ करना है और जिनको जो है ये कफ खांसी वगैरह ये फ्लू वगैरह है तो वो दिन में जो है दो कप यूज़ करेंगे तो इन जो सारा ये इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा ठीक है और ये हमारी मज़े की टी जो है वो रेडी हो गई है इसको ज़रूर ऐड करें आगे रमज़ान आ रहा है अफ्तारी में आप ज़रूर ऐड करें इसको और तब तक के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करना है लाइक ज़रूर करना है कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और और दुआओं में ज़रूर याद रखना है तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर